मॉर्निंग क्लास. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अनदर टॉपिक दैट इज मोशन. इन प्रीवियस क्लास आई हैव टॉट यू अबाउट मेजरमेंट. ठीक है, आज हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन और मोशन हम किसे कहते हैं. फाइन, तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ मोशन के समझाने के लिए. तो ये देखिए, ये कार है, ठीक है ना. अब ये जो कार है वो यहाँ स्टैंड कर रही है, हाँ रुकी हुई. अगर इसके रिस्पेक्ट में कहें तो ये कार जो है इस हाइलाइटर के बिल्कुल सामने है. सपोज कर लीजिए कि कोई ट्री है ये, ठीक है ना, ये ट्री है, ये कार यहाँ पे खड़ी हुई है. अब ये कार मूव करते हुए ये कहाँ चली गई, यहाँ चली गई. अगर आप आपसे मैं पूछूंगी कि कार की पोजीशन क्या है तो आप क्या बोलेगा, इन फ्रंट ऑफ द ट्री. नो, आप कहिए कि नहीं नहीं ये तो कार जो है ट्री के सामने नहीं है, ये तो उसके साइड में है, ये आगे चली गई है. ठीक है, आप कुछ भी इसकी पोजीशन बताइए. तो यहाँ पे देखो, जब कार यहाँ से स्टार्ट हुई तो यहाँ पे मान लो कि 10:12 हो रहा था, या आप मान लो कि कुछ भी हो रहा था, लाइक एनीथिंग. अब जब कार यहाँ से यहाँ गई तो कुछ ना कुछ टाइम में चेंजेस तो आया होगा. ऐसा तो नहीं होगा टाइम ने कह दिया भैया हम रुक जाते हैं, तुम जाओ जहाँ से घूम कर आना आ जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना. तो टाइम में चेंज आएगा, यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे एंड हो रही है, चाहे वो 2 सेकेंड का चेंज क्यों ना हो, लेकिन टाइम में चेंज आएगा. ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि ये कार किस में थी, मोशन में थी. तो मोशन क्या हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. यहाँ पे अनदर ऑब्जेक्ट मैंने क्या लिया, ट्री लिया, कि ट्री है उसके रिस्पेक्ट में ये कार जो है अपनी पोजिशन चेंज कर रही है, और साथ में क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम रुक नहीं रहा है ना. तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. आप देखो, विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. आपके आसपास जो भी चीज़ खड़ी है, जो भी चीज़ है मौजूद, वो सब आप उसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजिशन बदल रहे हैं. ठीक है, जैसे मैं अगर मान लो कोई अभी कार यहाँ पर थी, साइड में थी, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर सिर्फ ट्री हो सकता है दूसरी कार भी हो. तो जो भी सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट हैं उसके रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदलता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है. यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट विद द चेंज ऑफ टाइम. टाइम तो बदलेगा, टाइम तो रुकेगा नहीं किसी के लिए. ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि ये कार किस में हुई, मोशन में हुई. तो जब भी कोई चीज मूव कर रही है, वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. एक दूसरा टर्म आता है रेस्ट. रेस्ट क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता. देखो वहां पे टाइम तो चेंज होगा, अगर कोई यहाँ पे कार को खड़ा कर दे वो 10 घंटे के लिए भी खड़ी हो जाएगी, पोजिशन नहीं चेंज हो रही है, टाइम जा रहा है मगर इसकी पोजिशन चेंज नहीं हो रही है. तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है. जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तब उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड जीरो होगी. इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी स्पीड क्या होगी, 1 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 0.1 मीटर पर सेकेंड, लाइक दैट. तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जब वो मूव ही नहीं कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. ठीक है, ये आपका हो गया मोशन और रेस्ट में डिफरेंस. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन. नाउ टाइप्स ऑफ मोशन में पहला टाइप जो हम लोग देखेंगे वो है हमारा ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, वैसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट का जो सारा पार्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन अ गिवन टाइम. ठीक है ना, अब देखो इधर, जैसे ये कार है, इस कार को मैं मूव करवा रही हूँ, तो इस कार का पूरा पार्ट, जितने भी पार्ट्स हैं इसके, ये सब मूव कर रहे हैं, एंड दे ऑल आर कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम में सारे पार्ट जो हैं वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसका पूरा बॉडी पार्ट्स मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, ट्रांसलेशनल मोशन में है. ठीक है, कोई बच्चा है स्लाइड कर रहा है तो उसका पूरा बॉडी पार्ट्स मूव हो रहा है ना, उसके पूरी होल बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो ट्रांसलेशनल मोशन में हुआ. ठीक है, अगर सारा पार्ट्स मूव करेगा, सारा पार्ट्स इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, बेटर वर्ड है कि इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन में है. जो ट्रांसलेशनल मोशन आपका होता है वो दो तरह का होता है. एक आपका होता है रेक्टिलिनियर. अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वो डायरेक्ट उन्होंने रेक्टिलिनियर लिखा है, ट्रांसलेशनल को नहीं लिखा है, कर्वीलिनियर.
ये दो तरह के मोशन होते हैं, मतलब कि ट्रांसलेशनल मोशन दो तरह का होता है, एक आपका रेक्टिलिनियर मोशन होता है, दूसरा आपका कर्विलिनियर मोशन होता है। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन हम वैसे मोशन को कहते हैं जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, जैसे ये मान लो, सपोज कर लो कि ये सड़क है और इस पे ये ऑब्जेक्ट जो है ये स्ट्रेट जा रहा है, सीधे जा रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव करेगा तो हम कहेंगे कि ये किस में है, ये कार, दिस कार इज इन रेक्टिलिनियर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा तो क्या कहलाएगा आपका, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन है जैसे मान लो मैं एक कोई स्टोन थ्रो करती हूँ, यहाँ से कोई बच्चे ने स्टोन थ्रो किया तो ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है ना, कर्व पाथ पे जा रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे मूव करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्विलिनियर मोशन कहेंगे। ठीक है, कर्व पाथ पे अगर मूवमेंट होगी तो कर्विलिनियर मोशन। मान लो कि ये कार है ना, अब इसको यहाँ से इसको टर्न लेना, ये जा रही है, इसको यहाँ से टर्न लेना। अब ये देखो ये टर्न ले रही, तो यहाँ पे जैसे उसने टर्न लेना शुरू किया तो यहाँ पे कौन सा मोशन हो जाएगा, ये कर्विलिनियर हो गया, बाद में फिर स्ट्रेट हो जाए, दैट इज अनदर थिंग। एज सून एज इट इज स्टार्टिंग टेकिंग टर्न, जैसे इसने टर्न लेना ऐसे शुरू किया, ये ऐसे घूमने लगी कार, तो ये आपका हो गया कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, तो अगर आप इसमें एग्जाम्पल्स आप दो तीन याद रखिएगा कि कर्व पाथ जहाँ पे भी आए आप समझ जाइए कर्विलिनियर। आप स्टोन थ्रो कर रहे हैं, कर्विलिनियर मोशन है, कार टेकिंग टर्न, कर्विलिनियर मोशन है। ठीक है, तो ये आपका दो तरह का हो गया ट्रांसलेशनल मोशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सो द नेक्स्ट टाइप इज रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन में क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा वो पहली चीज तो वो एक्सिस पे मूव करेगा। ठीक है ना, कोई भी एक्सिस पे अगर मूवमेंट हो रही है तो आप समझ जाइए कि वो रोटेशनल मोशन में है। ठीक है, और उसके जो अलग अलग पार्ट्स है ना, अलग अलग डिस्टेंस कवर करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सिस पे मूव करता है, आपको क्या देखना होगा कि वेदर इट इज मूविंग ऑन एक्सिस और नॉट। अगर एक्सिस पे मूव करता है और उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करेंगे तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, रोटेशनल मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ये फैन को मैं रोटेट कराती हूँ, ये वर्क तो भी नहीं कर रहा है, लेकिन सपोज कर लीजिए कि ये फैन की ब्लेड है, ये आपका क्या है, दिस इज एक्सिस। अगर आपको ये दिख रहा है तो ये एक्सिस है, और यहाँ से अगर आपने इसको रोटेट कराना शुरू किया तो जब आप रोटेट कराएंगे इस फैन को तो इसमें देखिएगा कि ये वाला जो पार्ट है, ये ब्लेड जो है, ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। अंदर का हिस्सा जो है, ये वाला भी तो मूव कर रहा है, ये आपका कम डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तो अलग अलग पार्ट अलग अलग डिस्टेंस को कवर करेंगे तो, और वो एक्सिस पे मूव करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे। जैसे इसका और भी एग्जांपल है आपका, जैसे विंड मिल की ब्लेड्स ले लीजिए, फैन की ब्लेड्स अभी आपको मैंने दिखा दिया, उसके बाद आपका आ जाता है मेरी गो राउंड है, ये सब एक्सिस पे मूव करते हैं और ये डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो ठीक है, ये आपका हो गया रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे मोशन वो है आपका पीरियोडिक मोशन, द थर्ड टाइप इज पीरियोडिक। देखो पीरियोडिक मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन इसमें आप एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। पीरियोडिक मोशन में आपका आ जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेम मोशन को रिपीट करता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अगर रिपीटेशन होती है तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। जैसे हमारी अर्थ है, रोटेट कर रही है, ठीक है ना, तो अर्थ रोटेट कर रही है तो इसके एक फिक्स टाइम है कि अर्थ ने यहाँ से स्टार्ट किया, मान लीजिए सन है, अर्थ ने यहाँ से स्टार्ट किया मूव करना, और इसने पूरा अपना इसका ऐसे मान लो इस सन है आपका, और अर्थ जो है ऐसे, ये अर्थ है, ये मूव करी, यहाँ से स्टार्ट किया अर्थ ने, करते करते यहाँ तक ये पहुँचेगी, इसका एक टाइम फिक्स है कि इसको 365 days में इसको पूरा एक रिवोल्यूशन ले लेना है, या 24 hours में इसको एक रोटेशन कर लेना है, ठीक है ना। तो ये फिक्स टाइम है, तो यहाँ पे ये क्या होगा आपका, पीरियोडिक मोशन। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट एक टाइम में एक ही टाइप के मोशन में हो। जैसे अर्थ है, अर्थ में आपका रोटेशनल मोशन भी होता है और अर्थ में आपका पीरियोडिक मोशन भी होता है, अर्थ में दोनों मोशन है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि अच्छा इसमें तो रोटेशनल हो गया तो इसमें पीरियोडिक नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ऑब्जेक्ट एट अ टाइम कई मोशन में
हो सकता है, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन वो मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीट करता है अपने मोशन को आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे रोटेशन होता है, ठीक है। तो अब ये इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, या पहले मैं आपको ये फिर से बता दूं कि पीरियोडिक मोशन क्या है, जो अपने मोशन को रिपीट करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब कि हर, जैसे मान लो अर्थ का रोटेशन है, जो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो एक फिक्स टाइम के बाद फिर वो वहां से शुरू हो जाती है ना। तो एक आपका टाइम फिक्स है, 24 आवर्स में उसको फिर से स्टार्ट होना है, आफ्टर एवरी 24 आवर्स उसको फिर से स्टार्ट होना है। तो एक फिक्स टाइम के बाद एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 24 आवर्स ये एक फिक्स्ड है ना। तो ये पीरियोडिक मोशन में क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट एक फिक्स टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि आपको दे दिया जाएगा कि मोशन ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम का जो मोशन है वो क्या है, ठीक है। तो वो आपका पीरियोडिक मोशन है, नॉन पीरियोडिक मोशन है, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो जो पेंडुलम में जो मोशन होता है, जो हमारा पेंडुलम होता है इस तरह से जो मूव करता रहता है, अगर आपने क्लॉक में भी देखा होगा, तो ये एक फिक्स टाइम के बाद यहाँ से यहाँ आने में अगर इसको 1 सेकंड लगा तो ये वापस फिर 1 सेकंड में ही धरा जाता है, ठीक है। एक फिक्स टाइम के बाद इक्वल टाइम में वो अपने मोशन को रिपीट करता रहता है, ठीक है। उसके बाद हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, अगर आपने क्लॉक में देखेगा कि इसमें जो हैंड्स बना होता है, ये एक उसका टाइम फिक्स है कि ये पूरा ये 12 आवर्स हो जाएगा, ये फिर दोबारा से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका टाइम क्या है, फिक्स है। तो एक इक्वल इंटरवल के बाद ये अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। उस तरह से प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ गिटार, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए आपके पीरियोडिक मोशन के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉन पीरियोडिक मोशन। सो नेक्स्ट हमारा जो नॉन पीरियोडिक मोशन है उसमें देख लो, उसमें कुछ नहीं है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है वो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट नहीं होता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन पीरियोडिक मोशन। जैसे कोई सड़क पे कोई इंसान मूव कर रहा है, या चिल्ड्रेन जो है पार्क में खेल रहे हैं, ठीक ना, बर्ड्स जो है स्काई में फ्लाई कर रही है, जिसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि अभी 10 सेकंड के लिए ऊपर जाना है, फिर 10 सेकंड के बाद नीचे आना है, फिर 10 सेकंड के बाद ईस्ट जाना है, फिर 10 सेकंड में वेस्ट जाना, ऐसा कुछ नहीं है। उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है ना, या उनके मोशन कोई एक फिक्स टाइम में रिपीट नहीं होते हैं। तो ऐसा मोशन जिसमें कोई फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है, कोई रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीटेशन नहीं होता है, तो वैसे मोशन को हम लोग नॉन पीरियोडिक मोशन कहेंगे। क्लियर? तो ये आपका सारा मोशन मैंने कंप्लीट करा दिया। इससे रिलेटेड आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिकली ऐसे पूछा जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो क्या होगा। तो वहाँ पे आप सिर्फ ट्रांसलेशनल मत बोलिएगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन मेंशन है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, रेक्टिलिनियर आएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन के टाइप होते हैं रेक्टिलिनियर, जिसमें स्ट्रेट लाइन जाता है। सिमिलरली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अर्थ में कौन कौन सा मोशन है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि अर्थ जो है वो मूव कर रही है, तो उसमें आप कौन कौन सा मोशन देखते हैं कि पीरियोडिक मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, नॉन पीरियोडिक मोशन होता है, और कर्वलीनियर मोशन होता है, इस तरह से दे दिया जाए। तो आप इसमें आपको सोच समझ के, या ऐसे तो नहीं होगा लेकिन ऐसा रहेगा कि रोटेशनल मोशन रहेगा, पीरियोडिक मोशन रहेगा आपका, नॉन पीरियोडिक, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो आप किस पे करेंगे, ऑब्वियसली बोथ है ए एंड बी पे करेंगे। उस तरह से आपसे और भी पूछे जा सकते हैं कि एक बॉय है वो स्लाइड कर रहा है, तो जब स्लाइड कर रहा है तो उसमें कौन सा मोशन हुआ, ट्रांसलेशनल मोशन हुआ, या उसमें पीरियोडिक मोशन हुआ, या उसमें नॉन पीरियोडिक मोशन हुआ, या उसमें सर्कुलर मोशन हुआ, लाइक दैट। तो आपको एग्जाम्पल्स याद करनी है बेसिकली इसमें। आई थिंक आई हैव कम्प्लीटेड ऑल द पार्ट्स दैट इज गिवन इन योर बुक। नेक्स्ट क्लास आई विल teach you some other topic. Till then, take care, bye. The question of the day. ये सारे questions हैं, आप इसका answer मुझे आप comment box में दे दीजिएगा, फिर मैं आपको वही बता दूंगी कि whether you are right or wrong.